वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रैवल गुरु। तो हम आपको ले चल रहे हैं अपने ड्रीम टूर पे, जिसको मैंने प्लान किया है बहुत ही मेहनत से, और ये मेरे पापा का ड्रीम टूर है। तो मैंने फटाफट 4 टिकट ले लिया अपने फैमिली मेंबर के लिए, जिसमें मेरे मम्मी पापा और मेरी वाइफ इंक्लूडिंग मी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये हमारा जो फ्लाइट था वो वाराणसी से था त्रिवेंद्रम के लिए। त्रिवेंद्रम केरल का एक जगह है जहाँ एयरपोर्ट है, और ये कन्याकुमारी से करीब ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर दूर है। तो क्योंकि कन्याकुमारी में कोई फ्लाइट नहीं जाती है, तो हमने त्रिवेंद्रम के लिए फ़्लाइट ले लिया। हम लोग वेटिंग रूम में बैठे हुए थे, और वहाँ के बाद हमारा जब फ्लाइट का टाइम होता है तो हम लोग फटाफट पूरे एक्साइटमेंट के साथ हम लोग निकल पड़ते हैं अपने फ्लाइट की तरफ। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसा टूर करते रहते हैं। आपको इस टूर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ आपको जानने को भी मिलता रहेगा। तो फटाफट हम लोग वहाँ से पूरे एक्साइटमेंट और पूरे स्माइल के साथ हम लोग अपने फ्लाइट पे जा रहे थे। और ये टूर इसलिए भी खास था क्योंकि हमारी फैमिली जो है फर्स्ट टाइम फ्लाइट पे ट्रैवल करने जा रही थी। मेरे मम्मी पापा और मेरी वाइफ कभी फ्लाइट पे ट्रैवल नहीं किए हैं, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि मेरा भी ये ड्रीम था कि मैं अपने मम्मी पापा को और मेरी वाइफ को फ्लाइट पे ट्रैवल कराऊं। बट कोई प्लान बन नहीं पा रहा था, तो हमने रामेश्वरम का टूर प्लान किया और हमने फ्लाइट की टिकट ले ली, जिससे हमारा टाइम बच जाए। तो फटाफट हम लोग टनल के माध्यम से अभी हम लोग अपने फ्लाइट की तरफ जा रहे हैं, और हमने चेकिंग वगैरह बहुत पहले हम लोग टाइम से बिफोर आ चुके थे। हमारी जो फ्लाइट थी वो 11:30 बजे थी, तो हम लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 बजे 9:30 बजे के आसपास हम लोग आ चुके थे। तो हमने फटाफट चेकिंग करा के हम लोग अंदर आ गए थे और हम लोग वेट कर रहे थे। तो फाइनली अभी हम लोग इंटर करने जा रहे हैं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी लाइन लगी हुई है, और अभी आगे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी थोड़ा सा एक बार चेक किया जा रहा है आपका बोर्डिंग पास, जो कि एक फॉर्मेलिटी होती है। तो उसके बाद हम लोग फ्लाइट के अंदर इंटर कर जाएंगे। तो मेरी फैमिली काफ़ी एक्साइटेड है, और मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी मोमेंट। और देखिए, हम लोग इंटर कर चुके हैं फ्लाइट के अंदर में, और आप देख सकते हैं फ्लाइट का अंदर में कैसा नज़ारा होता है। और अगर आप किसी लग्जरी बस से कभी ट्रैवल किए होंगे तो आपको वैसा ही कुछ दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए, आपको कुछ फॉग टाइप का दिख रहा होगा वो, क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह की कोई कमी ना हो। और आपको देख सकते हैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, जैसे कि सबसे पहला फेमस डायलॉग यही है इनका कि सबसे पहले अपनी मदद करें दूसरों की हेल्प करने से पहले। तो फाइनली हम लोग प्रॉपर तरीके से बैठ गए हैं, सीट बेल्ट लगा लिए हैं, और हम लोग उड़ने के लिए रेडी हो चुके हैं। और धीरे धीरे हमारी फ्लाइट स्टार्ट हो चुकी है, अब धीरे धीरे रनवे पे जाने वाली है, और उसके बाद धीरे धीरे फ्लाइट टेक ऑफ हो जाएगी। तो अब हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं और बैठे हुए हैं दिल थाम के, और आप भी इस वीडियो को देखते और हमारे वीडियो के माध्यम से इंजॉय करिए। तो चलिए देखते हैं हमारी फैमिली किस तरह से फर्स्ट टाइम फ्लाइट का आनंद लेती है, और कैसे हम लोग अपने जो डेस्टिनेशन हमारा त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट है, हम लोग कैसे पहुंचते हैं। तो देखिए, मेरे मम्मी पापा बैठे हुए हैं, और फर्स्ट टाइम बैठे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा मेरे मम्मी के चेहरे पे थोड़ा सा एक डर भी है, जो कि मैं देख पा रहा हूँ, आपको नहीं नज़र आएगा, बट मेरी माँ है, मुझे पता है कि थोड़ा सा डर तो है, फिर भी चलिए फ्लाइट का आनंद लेते हैं। तो हम लोग को देखिए ये फ्लाइट वापस से रफ्तार ले चुकी है और टेक ऑफ होने वाली है। देख लो, अभी जो भी नीचे पता चल रहा है कि क्या पता चल रहा है। अब चल गया।
अब बताइए कैसा लग रहा है। कोई नहीं, जैसे ही फ्लाइट मेरी वाइफ के चेहरे की खुशी आपको बता रही है कि टेक ऑफ के टाइम पे कितना ज़्यादा उसके पेट में गुदगुदी सा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गई वो, क्योंकि उसे थोड़ा भी डर नहीं लग रहा है जैसा वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि थोड़ा बहुत डर लगेगा। और बहुत ही नॉर्मल था हमारा जो टेक ऑफ हुआ था वो एक्सपीरियंस, बहुत ही नॉर्मल था। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा भी वैसा नहीं लगता है, बट हाँ, एक जब फ्लाइट ऊपर जाती है तो थोड़ा टाइम के लिए एक आपको फील आता है कि कुछ तो हुआ है, हवा में फ्लाइट हो चुकी है, ये आपको फीलिंग आ जाती है, जो कि थोड़ी देर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और उसके बाद जब फ्लाइट एकदम हवा में होती है तो उसके बाद तो और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाती है फ्लाइट, तो उसके बाद तो आपको थोड़ा भी लगेगा ही नहीं, लगेगा कि आपकी फ्लाइट रुकी हुई है, मूव ही नहीं कर रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं बाहर बहुत बादल था, बाहर बहुत बारिश भी हो रही थी, तो हम लोगों को एक इंफॉर्मेशन आया था कि आप अपनी सीट बेल्ट बांध के रखें। ये सुनने के बाद मेरे वाइफ के चेहरे पे थोड़ी सी सिकन जा चुकी थी कि मौसम बाहर ख़राब है, ऐसा इंस्ट्रक्शन क्यों आ रहा है। बट मैंने बता देता हूँ कि नॉर्मल है, हम लोग मुंबई लैंड करने वाले हैं और वहाँ पर बहुत दिनों से काफ़ी बारिश हो रही है, इसकी वजह से मौसम ख़राब कंटिन्यू रहता है, बट फ्लाइट तो मूव करेगी ही, वो तो उड़ेगी ही, तो सब कुछ नॉर्मल है। तो आपको धीरे धीरे आपको शहर भी नज़र आने वाला है, और देखिए आपको ये मुंबई शहर नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारी जो फ्लाइट है वो वाराणसी से पहले मुंबई के लिए है, और मुंबई में हमारा 5 आवर का एक स्टे है, और उसके बाद हमारा मुंबई से त्रिवेंद्रम के लिए फ़्लाइट है, यानी कनेक्टिंग फ्लाइट है हमारी, तो इस माध्यम से हम लोग त्रिवेंद्रम पहुंच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास काफ़ी बारिश हो रही है, जिसमें आपको अभी वीडियो में समझ तो नहीं आ रहा होगा, बट आपको अभी धीरे धीरे आपको अगर आपकी स्क्रीन देखेंगे तो आपको फीलिंग आएगी और दिखेगा कि बारिश हो रही है बाहर। जैसे जैसे हमारी फ़्लाइट नीचे आएगी ये बारिश आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगी। तो हम लोग लैंडिंग करने जा रहे हैं और हम लोग धीरे 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 लैंड मुंबई में कर चुके हैं, और इस तरीके से हम लोग का पहला जो फ्लाइट एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा सुपर था, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ था, और फाइनली हम लोग देखिए लैंड हम लोग कर चुके हैं मुंबई में। और यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है और आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, और धीरे धीरे हम लोग मुंबई में लैंड कर चुके हैं। तो अब हम लोग फाइनली हम लोग अपने जहाँ से हमारे को सेकंड फ्लाइट पकड़नी है हम लोग वहाँ जाएंगे, जो कि टर्मिनल 1 से है। अभी हम लोग डोमेस्टिक फ्लाइट पे हम लोग उतरे हुए हैं, तो हमें बस के थ्रू हमें सेकंड टर्मिनल पे ले जाया जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर है, और अब इस तरह से हम लोग बस पकड़ के जाएंगे। तो फाइनली हम लोग मुंबई पहुँच चुके हैं, अब लोग हम लोग यहाँ आपस कुछ फ़ोटो लेते हैं फ्लाइट के अंदर में, और उसके बाद हम लोग मुंबई एयरपोर्ट पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और थोड़ा सा घूमेंगे। तो फाइनली हमने काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोटो लिए यादगार के लिए, ये मोमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, ये मोमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो फाइनली हम लोग अपने फैमिली के साथ मुंबई पहुँच चुके हैं, और उसके बाद हम लोग मुंबई एयरपोर्ट पे कुछ फ़ोटो लेते हैं और कुछ वीडियो बनाते हैं यहाँ पर, जो कि हमें हमेशा याद रहेगा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट था जहाँ हम लोग उतरे थे, और वहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे अच्छे फ़ोटो भी लिए। और उसके बाद हमने पूछते हुए, क्योंकि वहाँ पर हर कोई बता देता है कि ये टर्मिनल कहाँ है, कैसे नीचे जाना है, कैसे एग्जिट की तरफ जाना है, क्योंकि बहुत बड़ा एयरपोर्ट होता है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और आपको नहीं पता है तो आप संकोच ना करें, किसी से भी, किसी गार्ड से, वहाँ पर जो भी सिक्योरिटी होती है आप उनसे पूछिए, और उसके बाद आप मूव कर सकते हैं। फाइनली हमारा मुंबई से भी जो फ्लाइट था 8:30 बजे था रात के,
और हम लोग रात के करीब 11:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंच रहे थे। तो आप देख सकते हैं हम लोग फ्लाइट में बैठ भी चुके हैं और ये फ्लाइट जो है करीब 2-2.25 घंटे में हम लोग को त्रिवेंद्रम पहुंचा देता है। और मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग रात के में पहुंच रहे हैं त्रिवेंद्रम में, तो एक थोड़ा सा आप सोच रहे होंगे कि हम लोग रुकेंगे कहाँ। तो मैंने एक होटल बुक किया हुआ है जिसका नाम है होटल टेंपल सिटी, और हमने उन्हीं से रिक्वेस्ट किया था गाड़ी भेजने के लिए, तो हमारी गाड़ी ऑलरेडी वेट भी कर रही है। तो हमारी जो फ़्लाइट है 11:30 बजे के जगह पे शायद 12 बज जाता है वहाँ पर हमें पहुँचते पहुँचते। फाइनली हम लोग त्रिवेंद्रम आ चुके हैं, हमारी जो फ़्लाइट है वो लैंड कर चुकी है, और इसके बाद हम लोग को थोड़ा भी डर नहीं लगा। फर्स्ट फ्लाइट में मेरी मम्मी और मेरी फैमिली को डर लग रहा था, बट सेकंड फ्लाइट में थोड़ा भी किसी को डर नहीं लगा और बहुत ही स्मूथली लैंडिंग भी हुआ। और मैं थैंक यू बोलता हूँ इंडिगो को कि हमें बहुत ही अच्छा सर्विस दिया। और फाइनली हम लोग अपने लैगेज लेने के लिए, जो कि हमें फ़्लाइट में ही बता दिया जाता कि आपका लैगेज कहाँ से मिलेगा, तो उन्होंने बोला था वन से आपका लैगेज मिलेगा, और देखिए ऐसे हमारा लैगेज आ रहा है। फाइनली हम लोग अपना लैगेज लेके सबसे पहले हम लोग एग्जिट की तरफ जाएंगे जहाँ हमारा कार वेट कर रहा है। फाइनली हम लोग त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पे आ गए और हमारी गाड़ी वहाँ पर वेट कर रही थी, जो कि मैंने होटल के थ्रू ही बुक किया था। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम अगर यहाँ पर आ रहे हैं साउथ में और आप सोच रहे हैं रात में कैसे ट्रैवल करें, तो आप जिस भी होटल में बुक करते हैं अपना रूम, वहीं से आप रिक्वेस्ट करिए कि वो हमें कोई कैब या कोई गाड़ी प्रोवाइड कर दे। तो देखिए हमें गाड़ी ने रिसीव किया और बहुत ही अच्छे से हमें 2:00 बजे होटल पहुंचाया। तो मैं आपको डिटेल दे देता हूं उस होटल का जहां हम लोग रुक रहे थे, जिसका नाम है होटल टेंपल सिटी, जो कि कन्याकुमारी जो मंदिर के बहुत ही पास है। तो थैंक यू, बने रही हमारे वीडियो, और आपको हमारे वीडियो के माध्यम से कन्याकुमारी, मदुरई और रामेश्वरम का टूर पूरा कराया जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।